हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नैंडी व्लॉग्स। तो जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि नई वीडियो मैं इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ कि कैसे मैंने यहाँ पे आके फ़ोन लिया काफ़ी सस्ते में, एंड आप भी यहाँ पे आके कैसे नया फ़ोन ले सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आके ले सकते हैं। आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है अपने बजट के अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद मैं आपको प्राइस कंपेरिजन करूँगा यहाँ के गैजेट्स का इंडिया से, एंड यहाँ से ये वीडियो एप्पल एप्पल प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन, आईपैड, मैकबुक, इन सब पे होने वाली है। मैं ज़्यादा टीवी या दूसरे लैपटॉप्स की तरफ नहीं जाऊँगा, उन पे भी एक सेपरेट वीडियोस आएंगी। एंड उसके बाद मैं आपको ये बताऊँगा, यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दूंगा, जैसे यहाँ पे काफ़ी कनेक्शंस है, फ्रीडम, रॉजर्स, फाइडो, वर्जिन मोबाइल, तो इसमें से आपको किसके साथ जाना चाहिए, बिकॉज सबके डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं, तो कौन सा। एंड सबकी कनेक्टिविटी भी कुछ इश्यूज़ भी आते हैं, जैसे वो आपको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। तो आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा प्लान आपके लिए ज़्यादा चीप पड़ेगा, कौन सा प्लान आपके लिए बेटर पड़ेगा, तो वो सब आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बिकॉज़ ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलते हैं आगे मेरे लैपटॉप की तरफ, लेट्स गो। तो अब हम आ गए मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे, तो अब ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हम सीधे चलते हैं। मैंने पहले की खोल के रखे हुए हैं, सो दैट ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। एंड तो हम यहाँ पे पहले मैंने एप्पल कैनेडा खोला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको प्राइस दिखा दूँगी, ये तो सामने ही आ गए। जैसे हम पहले हम आईफोन्स पे चलते हैं, एंड साथ में मैंने एप्पल इंडिया भी खोला हुआ है, तो यहाँ पे भी आईफोन पे चलते हैं। साथ ही साथ मैं आपको कन्वर्ट भी करके दिखा दूँगा, अभी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस क्या होगा। एंड कन्वर्जन रेट इस टाइम पे आई थिंक 59-60 ऊपर नीचे चलते रहता है। तो यहाँ पे अगर हम 13 प्रो देखें, तो इस टाइम कनाडा में $1,399 का पड़ रहा है। तो इसको मैं अगर प्राइस कन्वर्ट करूँ टू 60 कर लेते हैं, हम ज़्यादा लेके चलते हैं, तो ये 83,940 का पड़ रहा है। और वहाँ ही अगर मैं इसको इंडिया में देखूँ 13 प्रो का प्राइस, तो ये 1,19,900 का है। तो अभी आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पे लगभग लगभग 36,000 का डिफरेंस है यहाँ पे। तो बात तो क्लियर है कि आपको यहाँ पे आके ही फ़ोन लेना चाहिए। किसी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इंडिया से फ़ोन लेके आए। अगर आपको नया फ़ोन लेना है, बहुत ही इमरजेंसी है, आपका पुराना फ़ोन नहीं चल रहा, तो आप वहाँ से फ़ोन लीजिए, वरना तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप यहाँ से आके ही लीजिए। जैसे 13 है यहाँ पे 69,900 का, और वहाँ ही अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ $949 का, $949 को भी कन्वर्ट करूँ तो मैं 57,000 बनते हैं, और वहाँ ही यहाँ पे 70,000 बन रहे हैं। तो आप प्राइस डिफरेंस देख सकते हैं। तो अभी हम और गैजेट्स पे चलते हैं, जैसे कि मैक में चलते हैं। तो मैक में मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये लोग ना स्टूडेंट ऑफ़र्स भी देते हैं। स्टूडेंट ऑफ़र्स में आपको जैसे 10% ऑफ, 20% ऑफ, कुछ ऐसे पड़ जाएगा। अभी जैसे मैकबुक एयर है यहाँ पे, इसका प्राइस 1,299 से शुरू है, एंड 1,299 मतलब कि 78,000 बन रहे हैं लगभग। और वहाँ ही यहाँ पे हम देखें अगर कि ये कितने से शुरू है, तो ये 92,900 से शुरू हुआ है, मतलब कि 93,000, तो वो 78 की पड़ रही है आपको, ये 93 की पड़ रही है। तो आप डिफरेंस तो सामने सामने क्लियर है कि यहाँ से ही लेना चाहिए। फिर मैं आपको दिखाऊँ अगर बाकी हम गैजेट्स पे चलें, मैक भी हो गई, उसके बाद आईपैड, आईपैड भी, आईपैड तो हम काफ़ी सस्ते हैं, मतलब आईपैड एयर 779 का पड़ रहा है, आईपैड प्रो 1,000 का। और वहाँ ही हम आईपैड देखें तो 71,900 काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं आपको इंडिया से लेके। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इंडिया से लीजिए। अब वॉचेस पे आ जाएं हम, तो मैं ट्राई करूँगा, हाँ, वॉच सीरीज 7 41,900, यहाँ आप देखना, ये बिल्कुल नई लेटेस्ट वॉच आई है, 41,900।
एंड हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने की मिल रही है। फाइव ट्वेंटी नाइन, तो 529 को अगर मैं करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 31,000 की पड़ रही है, तो सीधे सीधे 10-12 हज़ार का फ़र्क है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे कि मैंने ये क्योंकि आईफोन के साथ अब इन्होंने अडाप्टर्स देना छोड़ दिए, तो जैसे कि मैंने भी ये एप्पल से ही अडाप्टर लिया अपना, तो इसका प्राइस देखें हम तो ये मेरे को $28 का पड़ा, और टैक्स मिला के यहाँ पे टैक्स भी इंक्लूड करना पड़ता है। और इंडिया में मैं यस तो इंडिया में देखता हूँ कि ये कितने का मिल रहा है। इंडिया में सीधे सर्च ही कर लेते हैं, तो इंडिया में ये 1900 का मिल रहा है और यहाँ पे ये 1680 का मिला है विदाउट टैक्स। तो अगर आप 1900 पे भी टैक्स लगा दो तो करीब करीब ये 2200 तक पड़ जाता है। तो इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे सस्ते हैं, इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई। अब आपको कैश ये बताओ, सबसे पहले मैं इसको हटा दूँ तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा। चलो अभी इस पर बाद में आते हैं हम। अब मैं इन तीन चलो मैंने तीन कंपनीज उठाई हैं, जैसे एक फ्रीडम, एक रॉजर्स और एक फाइडो। अभी इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रॉजर्स और फाइडो है उनका कनेक्शन थोड़ा बेटर है फ्रीडम से। फ्रीडम अगर आप सिर्फ ग्रेटर टोरंटो एरिया आ रहे हो या वैंकूवर जो बड़ी सिटीज़ है, मॉन्ट्रियाल अगर आप वहाँ जा रहे हो तो आपको वो कवरेज देगा, वरना उसकी कवरेज इतनी बेटर नहीं है जितनी कि रॉजर्स और फाइडो की है। एंड बट ये है कि जो फ्रीडम है, जैसे मेरा कनेक्शन भी फ्रीडम के साथ है तो वो चीप बहुत है, तो मैं आपको अभी बताता हूँ वो कितना चीप है। और एंड क्या मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा ना कि आप कभी भी डायरेक्टली एप्पल से कोई भी चीज़ मत लीजिए, आप किसी ना किसी ये जो कनेक्शंस होते हैं इन्हीं के थ्रू लीजिए, बिकॉज़ ये आपको और सस्ते पड़ेंगे। अभी देखो कैसे मैं फ्रीडम में जाता हूँ, फ्रीडम में मैं गया डिवाइसेस पे, जो मेरा खुद का प्लान है मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक लोड हो रहा है ये, या सो मेरा जब मैंने जैसे iPhone 13 Pro लिया तो $60 तो जो मेरा वो है सिम का प्लान है, तो ये तो निग्लेजिबल है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है, क्योंकि यहाँ पे जियो एयरटेल नहीं है तो यहाँ पे इंटरनेट बहुत महंगा है। बट मैं फ़ोन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो फ़ोन में $47 पर मंथ, ये विदाउट टैक्स है, बट टैक्स के साथ भी $5-6 एक्स्ट्रा आता है, तो इतना कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टैक्स तो इंडिया में भी लगना ही है। तो 47 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, जो 24 मंथ्स का प्लान है, तो वो $1,128 बन रहे हैं। यहाँ पे देखना भी 1,128, और वहाँ ही अगर मैं इनको डायरेक्टली एप्पल की साइट पे जाऊँ, जो एप्पल यहाँ पे बेच रहा है 13 Pro $1,399 का, तो आप देख रहे हो कि कनेक्शन के साथ लेने का कितना फ़ायदा हुआ कि मेरे को वहाँ पे भी $270 बच गए। तो कनेक्शंस के साथ ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे और सस्ता आपको प्लान मिल जाते हैं, जैसे कि 13 Pro Max मिल रहा है 24 मंथ्स का प्लान होगा आपका इनके साथ, एंड सिर्फ $53 आपको एक्स्ट्रा देने हैं पर मंथ। और एंड iPhone 12 वगैरह की तो बात ही मत करो, आप सिर्फ $25 पर मंथ देके। तो अगर मैं 25 को कन्वर्ट करूँ इंडियन इंडियन करेंसी में तो आपको सिर्फ हर महीने के ₹1,500 देने हैं 2 साल तक, तो iPhone 12 आपका, उसके बाद iPhone 11 तो भूल ही जाओ, $15 खाली, कुछ भी नहीं होता ये तो। उसके बाद मैं अगर सैमसंग के फ़ोन्स पे आ जाऊँ तो S20 $15, S21 $54, ये सैमसंग जी फ्लिप $40 पर मंथ, काफ़ी सस्ते हैं। उसके बाद अगर मैं अभी रॉजर्स में जाऊँ तो रोहा तो रॉजर्स का प्लान ना एक्चुअली महंगे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है तो इनके प्लान्स भी थोड़े महंगे हैं,
जो रॉजर्स का $43 पर मंथ देने हैं, बट एक्चुअली कि अब आप सोचोगे कि 13 प्रो मैक्स $43 खाली, फ्रीडम में तो ये महंगा था। फ्रीडम में 13 प्रो मैक्स के लिए आपको देने पड़ रहे थे 53, तो आप बोल रहे हो $10 एक्स्ट्रा, बट एक्चुअली $10 एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 24 मंथ्स के प्लान के बाद आपको ये अपफ्रंट HP इनको देना पड़ेगा $563 का। तभी ये 2 साल तक आपको पहले $43 देने हैं, उसके बाद आपको ये $563 और देने हैं, तब जाके ये फ़ोन आपका होगा। इसलिए ये रॉजर्स वगैरह मैं सिर्फ उन्हीं को ही सजेस्ट करूँगा जो लोग किसी कनाडा में किसी रीजनल एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे उनको कनेक्शंस काफ़ी अच्छे चाहिए। तो ये है। उसके बाद मैं आपको ये फाइडो खोला, तो फाइडो में भी यही प्राइसेस हैं, $33 पर मंथ iPhone 12 के लिए। फाइडो थोड़ा और एक्सपेंसिव है। तो ये सब आप अपने कौन से एरिया में जा रहे हैं, उस एरिया में कौन सा कनेक्शन अच्छा है, तो आप ये उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अभी मैं आपको और इसमें चीज़ें दिखाऊं, तो इसमें एक चीज़ जो मैंने देखी थी, या एप्पल वॉच सीरीज़, तो ये 20 ना, ये आपको, ये तो आपके प्लान तो इतना तो सबका होता ही है, क्योंकि इससे सस्ते तो कोई प्लान ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपको 29, बिकॉज ये बहुत लेटेस्ट आई है, तो इसमें ज़्यादा ऑफर नहीं है, सिर्फ $29 पर मंथ देने हैं आपको, जो कि मैं आपको बताऊं कितने बनते हैं। तो अगर हम $29 24 महीने तक दें तो $696 बनते हैं। वहीं अगर आप डायरेक्टली एप्पल की साइड पे जा रहे हो तो इसका प्राइस इसका प्राइस था, ओह वो मैंने 41 mm की, या तो इसका यही यहाँ पे और महंगी पड़ रही है। तो इसीलिए पॉइंट यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आपको अगर फ़ोन लेना है या कुछ भी लेना है, तो आप किसी कनेक्शन के थ्रू लो, डायरेक्टली एप्पल की साइट से भी लेके कोई फ़ायदा नहीं है। प्लान्स वो भी देते हैं कि EMI पे 0% इंटरेस्ट पे, बट वहाँ से लेके कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद तो अगर हम अब एयरपॉड्स को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एयरपॉड्स मिल रहे हैं $329 को, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो वो सिर्फ ₹19,000 बनते हैं, और वहीं इंडिया में ये ₹24,900 के मिल रहे हैं। तो ये सब आपने प्राइस डिफरेंसेस देख लिए, अभी आपको समझ आ ही गया होगा कि कहाँ से आपको ये सब लेके फ़ायदा है। और यहीं अगर आपको ये $329 के पड़ रहे हैं, और यही अगर आप चीज़ इन किसी कनेक्शन से लोगे, तो ये आपको और सस्ते पड़ेंगे। तो इसलिए मेरी सजेशन तो यही है कि अगर आपको कुछ भी लेना है तो आप यहाँ पे आके लो, इंडिया से लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब आपने तो प्राइस डिफरेंसेस देख ही लिए हैं, आपको पता भी लग गया होगा कि फ़ोन कनेक्शन से लेके यहाँ पे कितना बेनिफिट होता है। एंड ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑपरेन आउट।